अथाष्टमो अध्याय, अब आठवां अध्याय है सर्वार्थ सिद्धि का। व्याख्यात आश्रव पदार्थ, आश्रव पदार्थ की व्याख्या पूर्ण हो गई। तदनंतर उद्देश्य भाग बंद पदार्थ इदानीं व्याख्येय, आश्रव के पश्चात कथन करने योग्य जो बंद पदार्थ है वह इस समय व्याख्येय है, अर्थात व्याख्या करने योग्य है। तस्मिन् व्याख्येय सति, बंद पदार्थ व्याख्यान करने योग्य होने पर पूर्वम बंद हेतु पन्यास क्रियते, सबसे पहले बंद के हेतुओं को उपस्थित किया जाता है। तत्पूर्वकत्वात् बंदस्य इति, क्योंकि बंद जो होगा उन हेतुओं के कारण होगा, पूर्वक का अर्थ है कारण, इसलिए मिथ्या दर्शना विरत प्रमाद कषाय योगा बंद हेतवः। मिथ्या दर्शन अविरति प्रमाद कषाय और योग, ये पांच बंद के हेतु हैं अर्थात कारण हैं। मिथ्या दर्शन आदि उक्ताः, मिथ्या दर्शन आदि बताए जा चुके हैं। वह कहाँ पर मिथ्या दर्शन तावत उक्तम, मिथ्या दर्शन कहा था तत्वार्थ श्रद्धानं सम्यक दर्शनम इत्यत्र तत्व प्रतिपक्ष भूतम, यहाँ पर कहा था, दूसरा सूत्र था पहले अध्याय का, तो वहाँ सम्यक दर्शन की बात चली थी, तो उससे विपरीत जो है वो मिथ्या दर्शन। फिर आश्रम योग अकेले लिखते थे नहीं, पांच है ना, और हेतव भी बहुवचन है, तो योगा विसर्ग का लोप हो गया है, घोषवती लोपम इस सूत्र से। आश्रव विधान जो क्रियासु व्याख्या का मिथ्या दर्शन क्रिया ही थी, और आश्रव का विधान जहां पर था वहां पर भी क्रियाओं के अंतर्गत मिथ्या दर्शन क्रिया इस प्रकार से व्याख्या की जा चुकी है। विरति रुकता, अब विरति भी कही गई है पिछले अध्याय में, क्या कहा, हिंसा रितस्तया ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरतिर व्रतम, माने त्याग, पांच पापों का त्याग विरति है। फिर तत् प्रतिपक्ष भूता अविरतिर ग्राह्या, अब यहाँ अविरति किसको ग्रहण करोगे, तो विरति से जो प्रतिपक्षी है विपरीत है वो। फिर आज्ञा व्यापादन क्रिया, आज्ञा व्यापादन क्रिया, फिर अनाकांक्षा क्रिया इत्यनयोः प्रमादस्य अंतर्भावः, फिर आज्ञा व्यापादन क्रिया और अनाकांक्ष क्रिया, ये दो प्रकार की क्रियाएं थी 25 में, तो इन दोनों में प्रमाद का अंतर्भाव हो जाता है, यानी प्रमाद उसमें सम्मिलित हो गया। सच प्रमाद कुशलेश्वनादर, प्रमाद किसको कहते हैं, तो सच प्रमाद और वह प्रमाद कुशलेश्वनादर जो कुशल है उनके प्रति अनादर होना। कषाय क्रोधादय, अब कुशल किसको कहोगे, जिस आचरण से कुशलता पूर्वक संसार को पार किया जाए उन क्रियाओं में अनादर होना। सामायिक का समय हो गया, फिर अब ठीक है बैठना पड़ेगा, अब तो सामायिक का टाइम हो गया, बैठना पड़ेगा, ये अनादर है। वो एक उत्साह होता है सामायिक करने का, और एक कर रहे हैं, इनमें दोनों में अंतर है, ये प्रमाद कहलाता। कषाय क्रोधादय अनंतानुबंध्य प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजन विकल्पा प्रोक्ता, ये इसके भेद भी कषाय के क्रोधादिक के अनंतानुबंध्य आदि बताए जा चुके हैं। वह कहाँ पर, तो इंद्रिय कषाय व्रत क्रिया इसमें में इत्यत्रैव, इसी सूत्र में बताया, योगा कायादि विकल्पा, योग जो है वो काय आदिक विकल्प वाले भेद वाले, काय मन और वचन प्रोक्ता कहे जा चुके हैं। काय वांग मन को कहाँ पर कहा, काय वांग मन कर्म योग इत्यत्र, छठे अध्याय के पहले सूत्र में। मिथ्या दर्शनम द्विविधम, मिथ्या दर्शन दो प्रकार का, क्यों नहीं, क्योंकि योग जो है सबसे अधिक जो योग वाले जीव हैं वो काय योग वाले हैं, फिर वचन योग वाले उनसे कम हैं, और मनोयोग वाले उनसे कम, सैनी जीव सबसे अल्प होते हैं। मिथ्या दर्शन द्विविधम, मिथ्या दर्शन दो प्रकार का, नैसर्गिक व परोपदेश पूर्वकंच, नैसर्गिक यानी बिना किसी के उपदेश के मिथ्या दृष्टि है, और परोपदेश पूर्वक हम किसी के उपदेश पूर्वक मिथ्यात्व आ गया तो वो
परोपदेश पूर्वक, इसको आजकल गृहित और अगृहित बोल देते हैं, नैसर्गिक को अगृहित बोलते हैं और परोपदेश पूर्वक जो मिथ्या दर्शन है उसको गृहित बोलते हैं। तत्र परोपदेश मंत्रेण मिथ्यात्व कर्मोदय वशाद यद आविर्भवति तत्वार्था श्रद्धान लक्षण तन नैसर्गिकम, इनमें जो परोपदेश के बगैर बिना मिथ्यात्व कर्म के उदय के वश से आविर्भूत होता है, क्या आविर्भूत होता है, तत्वार्थों का जो अश्रद्धान वो जिसका नाम है वो तो नैसर्गिक मिथ्या दर्शन। फिर परोपदेश देश निमित्तम, दूसरों का उपदेश है निमित्त जिसमें, वो चतुर्विधम चार प्रकार का होता है, चार प्रकार का मिथ्या दर्शन दूसरों के उपदेश से होता है, क्रिया क्रियावाद वैज्ञानिक वैनयिक विकल्पात, क्रियावादी अक्रियावादी अज्ञानिक और वैनयिक, ऐसे चार भेदों वाला परोपदेश जनित मिथ्या दर्शन होता है, गृहित मिथ्या दर्शन, अथवा पंचविधम मिथ्या दर्शन, अथवा मिथ्यात्व के पांच भेद हैं, एकांत मिथ्या दर्शनम, विपरीत मिथ्या दर्शनम, संशय मिथ्या दर्शनम, वैनयिक मिथ्या दर्शनम, अज्ञानिक मिथ्या दर्शनम चेति। इस तरह पांच भेद हो गए, एकांत मिथ्यात्व, विपरीत मिथ्यात्व, संशय मिथ्यात्व, वैनयिक मिथ्यात्व और अज्ञान मिथ्यात्व। तत्र इदमेव इत्थमेवेति धर्मी धर्मयोर अभिनिवेश एकांत, धर्मी यानी द्रव्य और धर्म यानी उसके गुण और पर्याय, इनमें यही है और ऐसा ही है, इस प्रकार का अभिनिवेश अर्थात आग्रह एकांत मिथ्यात्व है, यानी जीव सर्वथा शुद्ध ही है अथवा जीव सर्वथा अशुद्ध ही है, इस प्रकार का जो आग्रह है वो एकांत मिथ्यात्व है। पुरुष एव वेदम सर्वम, यह सब कुछ पुरुष रूप ही है अर्थात जीव स्वरूप ब्रह्म रूप ही है, ये मानते हैं ब्रह्माद्वैतवादी जो होते हैं वो सदाशिव मत वाले वैशेषिक लोग, ये मानते हैं कि सब सर्वव्यापी एक ब्रह्म है, इति वा ये एकांत मिथ्यात्व हो गया। नित्य एव वा अथवा सांख्य मत वाले मानते हैं कि सब कुछ नित्य रूप ही है, कुछ भी नष्ट नहीं होता, सब कुछ स्थायी है। अनित्य एव इति अथवा बौद्ध मत वाले मानते हैं कि सब कुछ अनित्य ही है, सब कुछ नश्वर है, नष्ट होने वाला है, इस प्रकार ये एकांत मिथ्यात्व हो गया। माने किसी एक पक्ष को वस्तु के पकड़ करके उन्होंने वस्तु को पूरा उसी रूप मान लिया और दूसरे पहलू पर ध्यान ही नहीं दिया, वो एकांत मिथ्यात्व है। सग्रंथो निर्ग्रंथ, अब देखिए विपरीत मिथ्यात्व किसको कहा, सग्रंथ यानी कपड़े आदि परिग्रहों के साथ निर्ग्रंथ, निर्ग्रंथता मान ली, ऐसा भी एक मत है ना, जानते हैं आप श्वेतांबर मत जिसको कहते हैं, वस्त्र धारण करते हुए भी बोलते हैं कि हमारी मूर्छा नहीं है इसलिए ये तो परिग्रह नहीं है, ये तो उपकरण है बोलते हैं वस्त्र, और कल अपनी चर्चा उपकरणों के बारे में पर्याप्त हो गई थी कि उपकरण क्या है। तो सग्रंथ और को निर्ग्रंथ मानना, केवली कबला हरी, केवली जो है वो कौर बना बना कर आहार करने वाले हैं, कवल से आहार लेने वाले हैं, ऐसा मानना श्वेतांबर मत में माना गया है कि केवल ज्ञान होने के बाद भी केवली भगवान आहार करते हैं। अब इसमें क्या क्या आपत्तियां आ सकती, इस पर अपनी चर्चा हुई थी पहले कि केवली अगर आहार लेने लग जाए तो फिर कुछ बाधाएं उत्पन्न हो जाएगी सिद्धांत में। एक तो क्या है कि आहार क्यों ले, ये प्रश्न उठेगा, तो अगर उसका जवाब ऐसा दिया जाए कि भाई शरीर की स्थिरता के लिए आहार आवश्यक है, अथवा असाता वेदनी का उदय चूंकि 14वें गुण स्थान तक के पाया जाता है तो उसके उदय में क्षुधा की वेदना होगी और क्षुधा की वेदना में उनको क्षुधा निवारण के लिए आहार लेना पड़ेगा, तो शरीर की स्थिरता के लिए क्षुधा के निवारण के लिए आहार ग्रहण करना अनिवार्य है, क्योंकि केवल ज्ञान 8 वर्ष में हो सकता है और फिर आयु पूर्व कोटि की हो सकती है, तो इतनी लंबी आयु तक बिना आहार के शरीर कैसे रहेगा, ये उनका तर्क है। तो फिर इसका उत्तर जैनाचार्यों ने, दिगंबर आचार्यों ने ये दिया है कि वो आहार अगर लेंगे केवल ज्ञान होने के पश्चात तो एक तो संयम और करुणा का घात हो जाएगा। कैसे घात हो जाएगा, कि संयमी मुनि भी कभी इतने आसक्त नहीं होते आहार के प्रति कि कुछ भी चलता रहे और फिर वो आहार लेते जाए, गांव में आग लग जाए या फिर कोई किसी की मृत्यु हो जाए या फिर
कोई रोता हो, चिल्लाता हो या ऐसे प्रसंग आने पर वो आहार छोड़ देते हैं। 32 अंतराय में कितने अंतराय बताएं? तो ऐसी स्थिति में फिर केवली भगवान आहार कैसे ले सकते हैं? जब उनके मार्ग पर चलने वाले, उनसे छोटे जो साधु हैं, उनके जो अनुज हैं, वो जब इतने कारणों के उपस्थित होने पर, मिल जाने पर वो आहार नहीं लेते, आहार छोड़ देते हैं, ले रहे हो तो भी, तो फिर केवली भगवान कैसे ले सकते हैं आहार? क्योंकि उनको तो तीनों लोक और तीनों काल के सारे कष्ट दिखाई दे रहे हैं संसार के, उनको नरक भी प्रत्यक्ष दिख रहा है और नरक की घोर यातना है। वो काढ़े बना रहे हैं उसमें, कुंभी पाक हमने बताया था आपको, कुंभी पाक किसको बोलते हैं, उसमें क्वाथयति, वो दूसरे नरक उनको उसमें बंद करके अंदर नीचे से उबाल रहा है उनको। ये चीज उनको केवल ज्ञान में प्रत्यक्ष दिख रही है, और आहार लेंगे कैसे लेंगे? जब किसी के पैर के नीचे एक चीटी आ जाती है और साधु अंतराय कर देते हैं, या फिर उनके आहार में कभी कोई ऐसी वस्तु निकल आती है तो आहार छोड़ देते हैं, तो फिर उनके जो वो जिनकी आराधना कर रहे हैं, वो अगर सब कुछ देखते जानते हुए आहार करने लग जाएं, तो वो उनसे छोटे हुए कि बड़े हुए? तो ये एक कारण कि उनको वो सर्वज्ञ है, इसलिए सब दोष गुण और सारी चीजें जानते हैं। आहार कैसे बना उनको वो भी दिख रही है ना पर्याय उसी समय। केवली भगवान के ज्ञान में पर्यायों का क्रम नहीं है, वो एक साथ सब पर्याय दिख रही है। वो पेड़ से कब लौकी टूटी और फिर कैसे आप लोगों ने उसको छीला और कैसे सब्जी बनाई, आग जलाई और उस आग में कितने प्राणियों की विराधना हुई, वो सब उनको स्पष्ट दिख रहा है केवल ज्ञान में। अब इतना सब जीवों की बाधा और कष्ट देखने के बाद अगर वो आहार ले लें, तो फिर मुनि महाराज अच्छे कि केवली भगवान? मुनि महाराज किसी को थोड़ी सी तकलीफ हो जाए तो आहार छोड़ देते हैं, और केवली भगवान दुनिया की सब तकलीफों को जानकर, वो भी एक समय की नहीं, तीनों काल संबंधित सब कष्टों को जानकर आहार ले लें, तो फिर असंयम ही हो गए, संयम का घात हो जाएगा, करुणा समाप्त हो जाएगी। अवधि ज्ञान तो लगाने पर जानकारी होती है, न लगाओ तो कुछ नहीं पता चलता, इसलिए केवल ज्ञान में तो अपने आप सब कुछ पता ही चल रहा है, इतना फर्क है। किनको विकल्प तो होता नहीं ना, मोह के उदय में ही विकल्प होते हैं, तो विकल्प तो उनको नहीं होता क्योंकि मोह का अभाव है। फिर और देखिए कारण क्या है आहार न करने का। फिर अगर ये मानो कि क्षुधा वेदनी के उदय से उनको जो वेदना होती है उसका निवारण करने के लिए आहार लेते हैं, तो फिर उनका अनंत सुख नष्ट हो जाएगा, क्योंकि अनंत सुख और वेदना इनकी जोड़ी एक साथ नहीं हो सकती। जहां अनंत सुख है वहां वेदना भी हो ये बात संभव नहीं है। या तो वेदना हो तो वेदना हो, और अनंत सुख हो तो अनंत सुख हो। अनंत सुख भी मानो और साथ में भूख की पीड़ा भी मानो, तो पीड़ा के साथ सुख कैसा? तत्सुखम यत्र ना सुखम। सुख किसको कहा? सुख वह है जहां दुख नहीं है। तो फिर केवली भगवान के पास क्षुधा का भी दुख हो और फिर अनंत सुख भी हो, तो इसमें व्याघात हो जाएगा। और फिर शरीर को स्थिर रखने के लिए अगर आहार लेते हैं ऐसा माने, क्योंकि कितने तर्क दिए उन्होंने, एक तो भूख की वेदना मिटाने के लिए, फिर शरीर की स्थिरता के लिए अगर आहार लें, तो फिर उसका समाधान दिगंबर आचार्यों ने ही किया कि उनको आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनका शरीर परम औदारिक है, और परम औदारिक शरीर की पुष्टि नौकर्म वर्गणा मात्र से हो जाती। नौकर्म वर्गणा यानी जो यहाँ पर पूरे लोकाकाश में ठसाठस भरी हुई वर्गणा है 23 प्रकार की, तो उनमें से एक नौकर्म वर्गणा नाम की वर्गणा होती। 5 वर्गणा है जीव ग्रहण कर सकता है, तो नौकर्म वर्गणाओं को उनके शरीर में उनके योग के माध्यम से वो ग्रहण कर लेते हैं, और उससे शरीर कायम रहता है, बना रहता है। और नाम कर्म के उदय से, जो नाम कर्म उदय में होगा, अगर उपसर्ग के दौरान कुछ शरीर क्षत विक्षत भी हो गया हो, तो फिर केवल ज्ञान होते ही परम औदारिक शरीर हो जाएगा, और उपसर्ग नष्ट होते ही साथ उनके शरीर की जो क्षति है वो समाप्त हो जाएगी, क्योंकि नामकर्म के अनुरूप जो नौकर्म वर्णा आएंगे वो उनके उस आकार की पूर्ति कर देगी। तो नौकर्म आहार होता है केवलियों का, इसलिए दिगंबर मत में कवलाहार का निषेध किया। स्त्री सिद्धति इत्येवम आदि, और स्त्री सिद्ध पद को प्राप्त कर लेती है ऐसी जो मान्यता है, ये सब विपरीत मिथ्यात्व है। स्त्री सिद्ध पद को प्राप्त करती है, इस बारे में कई बार कुछ लोगों के मन में शंका होती है कि क्या तकलीफ है तुम्हें
सिद्ध हो जाए तो फिर तो आचार्य कहते हैं कि हमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन जो सच्चाई है सो सच्चाई है, तुम्हें अगर कड़वा लग रहा है तो क्या करें हम। क्योंकि सिद्ध पद की प्राप्ति शुक्ल ध्यान से होती है, शुक्ल ध्यान के लिए जो द्रव्य अपेक्षित है, जो अपना मनुष्य का शरीर अपेक्षित है, उस शरीर में वज्र ऋषभ नाराज संघनन अपेक्षित है। क्योंकि ध्यान का सूत्र उन्हीं ग्रंथों में, श्वेतांबर लोग तो मानते हैं ना इस ग्रंथ को, श्वेतांबर कहाँ नहीं मानते, तत्वार्थ भाष्य नाम से तत्वार्थ सूत्र की टीका अगास्त से प्रकाशित है श्वेतांबर मत की। कुछ सूत्रों के पाठ में भेद है, पंचम अध्याय में कालश्चेत्य एक ऐसा सूत्र छपा हुआ है कि कुछ आचार्य काल को भी द्रव्य मानते हैं, ये उसका अर्थ है। क्योंकि वहां पर उनके यहाँ मूल काल नाम का कोई अलग से द्रव्य नहीं है, कुछ आचार्यों का मत है कि मानते हैं काल द्रव्य है, लेकिन काल द्रव्य नहीं है ऐसी उनकी मान्यता। कुछ ऐसा डॉक्टर भास्कर साहब का कहना था कि 100 में से 20 बातें अलग है और 80 बातें एक है दिगंबर श्वेतांबरों की, तो उसमें उन्होंने यही बात लिखी है। क्या क्या स्त्री मुक्ति संबंधी तो बात यहां पर विपरीत मिथ्यात्व के अंतर्गत बताई जा रही है, लेकिन सिद्धि की प्राप्ति के लिए उन्होंने ध्यान का जो सूत्र दिया है वो चाहे दिगंबर मत देख लो या श्वेतांबर मत देख लो, तो क्या लिखा, उत्तम संगणन से एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान मांतर मूर्ता ध्यान निर्जरा संवर निर्जरा का प्रकरण, और शास्त्र का नाम मोक्ष शास्त्र भी है। तो मोक्षोपयोगी जो ध्यान होता है वो किनको होता है, उत्तम संगणन के धारी को। और स्त्रियों में कौन सा संगणन होता है, आदिम तिंग स्तिग संगठनम नियमेण यकम भूमि महिलाणम नथित्य जिने ही निदिठम अंतिम तिग संगठनम नियमेण यकम भूमि महिलाणम। गुमटसार कर्मकांड में एक गाथा दी है कि शुरू के 3 संगन स्त्री पर्याय में नहीं होते, और अंत के जो 3 संगन, संगनन का मतलब अस्थि बंधन है, सहन शक्ति का नाम संगनन नहीं है। आप लोग सोचते होंगे कि अरे वो संगनन था कि सब सहन कर लेते थे, सहन करना अलग चीज है, और संगनन, संघनन का मतलब क्या होता है, अपनी अस्थियां, वो अस्थियां कितनी मजबूत है वो संगनन है। ये ठीक है कि अस्थियां जितनी ज्यादा मजबूत होगी उतना अगर वो पुरुषार्थ करे तो सहन कर ले, ना करे तो नहीं कर सकते। सुकुमार स्वामी को राय के दाने सहन नहीं हुए थे, मालूम है आपको कौन सा संगनन था, तो सुकुमार चरित्र आचार्य सकल कीर्ति द्वारा जो रचित है उसमें अंत में सर्वार्थ सिद्धि गए हैं। वो सर्वार्थ सिद्धि कौन मुनि जाते हैं, कौन से संगनन वाले, प्रथम संगनन वज्र ऋषभ नाराज संगनन वाले जाते हैं। तो इससे क्या मतलब हुआ कि संगनन उत्कृष्ट है लेकिन सहन शक्ति मतलब एक आम आदमी से भी कम। दीपक की लौ को देखकर कभी आपके आंख में पानी निकला, उनकी आंख में निकला, अब बोलो क्या करते हो, माने हैं कहां माने, हाँ आचार्य पद नहीं देते, गणधर पद नहीं होता। फिर 22 परीक्षाओं को जीते बिना मुक्ति होती है क्या, तो 22 परीक्षा में एक नग्नता भी है, उसका क्या करोगे, नहीं है नहीं, इसमें नाग ने लिखा है तत्वार्थ में, नहीं वो तो महावीर स्वामी की घटना हमने सुनाई थी यहाँ पर कि वो अच्छा उस प्रकार की व्याख्या, वैसे याचना का भी उनके दूसरी व्याख्या है उनके, याचना परिषद जो है ना, याचना न करना वो विजय नहीं है, याचना करके जो दीनता न रखना, मतलब याचना कर रहे हैं आप, मांग रहे हैं, लेकिन फिर भी अंदर वो मान कषाय नहीं आनी चाहिए कि मैं मांग रहा हूँ इतना बड़ा साधु हूँ, भाई शांति से मांग लो चलो याचना परिचय। तो इस प्रकार व्याख्या करने में क्या होता है कि तर्क करने वाला तो बहुत सारी बातें कर सकता है, लेकिन अपन अगर निष्पक्ष होकर के देखें और फिर इसमें और भी आगे पीछे और फिर पूर्वापर कहीं विरोध ना आए इस तरीके से अगर निकालो, तो ज्ञान सागर महाराज जी ने एक स्थान पर तत्वार्थ सूत्र, जब वो एलक अवस्था में थे ज्ञान भूषण जी, तब उन्होंने तत्वार्थ सूत्र की एक टीका लिखी है, उसमें उन्होंने श्वेतांबर मत द्वारा दिगंबर मुक्ति की सिद्धि की है।
फटनी है वो प्रकरण है, वो अगर मिले कहीं तो देख सकते हैं। यहाँ तो नए संस्करण निकले हुए हैं शायद, कहाँ से निकले अभी, सुधा सागर महाराष्ट्र के आशीर्वाद से, तो वो देख सकते हैं उसमें। तत्वार सूत्र की जो टीका है हिंदी टीका, उसमें उन्होंने वो उद्धरण दिया। फिर सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि के मोक्ष मार्ग से वानवा इत्यन्यतर पक्षा परिग्रह संशय। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र क्या मोक्ष मार्ग हो सकता है अथवा नहीं, इस प्रकार किसी एक निर्णय पर नहीं पहुंचना वो संशय मिथ्यात्व है। मैंने उसको ये भी निर्णय नहीं है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग है, और ये भी निर्णय नहीं है कि नहीं है, तो ये जो स्थिति है संशय मिथ्यात्व है। फिर सर्व देवतानाम सर्व समयानाम च समदर्शनम वैनिकम। सब देवता माने सब परमात्माओं का, और सर्व समयानाम सब समय माने मत, सब मतों का समदर्शन, सबको एक बराबर समझना, जैसा जैन मत है वैसा ही सनातन मत है, वैसा ही इस्लाम मत है, वैसा ही ईसाई मत है, सबको एक बराबर समझना, ये वैनिक मिथ्यात्व है। फिर अज्ञान मिथ्यात्व किसको कहा? हिताहित परीक्षा विरहो ज्ञानी तत्व, हित और अहित की परीक्षा का अभाव होना अज्ञानिक मिथ्यात्व है। उक्तम च कहा भी है, असिधि सदम किरियाणम अक्रियाणम तहे हो रिचुलसीदी सत्तठम मन्नानी सत्तठम मन्नानी नम्बेणयाणम तु बत्तीसम। ये पूरे 363 की गिनती आएगी। असिधि सदम 180 क्रियाणम क्रियावादियों के मत है, अलग अलग प्रकार की क्रियाएं करते हैं ना, बलि चढ़ाने की क्रिया या फिर और कोई धान वगैरह से भी यज्ञ वगैरह की जितनी भी क्रियाएं थी, जितने वैदिक क्रियाकांड वाले वो आ जाएंगे। अशीति शतम मतलब 180 अक्रियाणम तहे हुई चुल सीधी, और अक्रियावादियों की जो क्रियाओं का बिल्कुल निषेध करते हैं कि कोई क्रियाओं की जरूरत नहीं है, सब बेकार है बोले क्रियाकांड कुछ भी नहीं, तो उनकी चुल सीधी, चुल सीधी का अर्थ होता है 4 और 80 थी मैंने 80 84 कितने हो गए 180 और 84 और अन्नाणीणम सत्तठम। टिप्पण में कोई उसका पाठ भेद भी दिया है, सत्तच्छन्नाणीणम सप्तषष्टि ऐसा निकालना पड़ेगा फिर, ठीक है 67 बनेंगे, 67 अज्ञानियों के मत है कि जहाँ हित और अहित की परीक्षा नहीं की जाती, और वैनिक आणम तो 32 और वैनिक मिथ्या दृष्टियों के 32 भेद हैं। देखो किन लोग कितने हो गए, तो इस प्रकार 363 मत होते हैं। ये मिथ्यात्व की व्याख्या पूर्ण हो गई है यहाँ पर। इसके आगे फिर अविरति प्रमाद कषाय और योगों का जो बंध हेतु रूप से निर्देश है उसका उनका वर्णन आगे किया जाएगा। 8वां अध्याय है, मिथ्यात्व के सारे भेदों का वर्णन यहाँ हो चुका था। इसके आगे अविरति द्वादश था, अविरति 12 प्रकार की है, षटकाय षटकरण विषय भेदा, 6 काय माने 5 स्थावर और 1 त्रस, और षटकरण यानी 5 इंद्रियां और 1 मन, इनसे संबंध रखने वाली अविरति 12 प्रकार की है। षोडश कषाय, कषाय 16 है, नौ कषाय है, कषाय 16 कौन सी है मालूम, क्रोध मान मालूम, फिर आनंदानुबंधी अप्रत्याख्यानावरण प्रत्याख्यानावरण संज्वल, इनको गुना कर दो तो प्रत्येक के क्रोध मान मायलू 16 हो जाए। तेषाम ईषद भेदो न भेद है पंचविंशति, अब ये नौकषाय और कषाय में थोड़ा भेद होता है इसलिए वो नहीं के बराबर भेद होता है, इसलिए कुल मिलाकर के पंचविंशति कषाय 25 कषाय है। चत्वारो मनोयोगाश, 4 प्रकार के मनोयोग हैं, चत्वारो वाग योगा 4 प्रकार के वचन योग हैं, पंच काय योगा 5 प्रकार के काय योग हैं, इति त्रयोदश विकल्पो योग, इस प्रकार योग के 13 भेद हो गए। 4 मनोयोग कौन से, सत्य मनोयोग
असत्य मनोयोग, उभय मनोयोग और अनुभय मनोयोग। वैसे वचन योग के यही चार भेद। और पांच काय योग कौन से? औदारिक, औदारिक मिश्र, वैक्रियक, वैक्रियक मिश्र। ऐसा नहीं लिखे, यहाँ पांच काय योग ले रहे हैं। कहाँ पांच है? अच्छा ठीक है, ये तेरह मतलब ये पांच काय योग ऐसे हो जाएंगे, औदारिक औदारिक मिश्र, वैक्रिक वैक्रिक मिश्र, कर्मण। फिर आहारक काय योग, आहारक मिश्र काय योग, योग आहारक काय योग और आहारक मिश्र काय योग, ये दोनों का प्रमत्त संयम संयते संभवत, प्रमत्त संयत में ही अस्तित्व होता है, इसलिए पंचदशा भी बनती, तो उसको पंद्रह योग भी ले लेते हैं। पन मिथ्यात्व योग पंद्रह, द्वादशक अविरत जानो, पंचर बीस कषाय मिले सब सत्तावन मान। प्रमाद और नेक विधा, प्रमाद अनेक प्रकार का है, शुद्धिष्टकोत्तम क्षमादि विषय भेद, आठ शुद्धि से संबंध रखने वाला प्रमाद और उत्तम क्षमादिक में प्रमाद जो हो जाता है वो ते पंच बंधे ये तब समस्त व्यस्ताश्य बंधी आ चुकी आठ शुद्धि करती है अनुपेक्षा में, इसमें आने वाली आगे विनय शुद्धि, काय शुद्धि, भाव शुद्धि, भिक्षा शुद्धि, ऐसे तो ये सारे के सारे जो बंध हेतु हैं, ये समस्ता पांचों और व्यस्ता माने अलग अलग भी, पांच पूरे न हो तो भी बंध हेतु वो भवन्ति, बंध के कारण तो होते हैं। अब ये बात समस्ता व्यस्ताश्च ऐसा ठीक है, उसका खुलासा दे रहे नीचे तद यथा, वो इस प्रकार है। मिथ्या दृष्टि पंचा भी समुदिता बंध हेतु होते, मिथ्या दृष्टि जीव को ये पांचों ही इकट्ठे बंध के हेतु होते हैं। शासन सम्यक दृष्टि सम्यक मिथ्या दृष्टि असंयत सम्यक दृष्टि नाम अविरत्यादेश चतवार है, शासन सम्यक दृष्टि फिर तीसरे गुण स्थान वाले और चौथे गुण स्थान वालों के अविरत आदि चार बंध हेतु हैं, और संयता संयत अविरतिर विरतिर मिश्र विरति मिश्रा, संयता संयत में जो अविरति है वो विरति से मिश्रित है। फिर प्रमाद कषाय योग, प्रमाद और कषाय और योग ये भी बंध के कारण है। प्रमत्त संयत से प्रमाद कषाय योग, प्रमत्त संयत मुनि के प्रमाद कषाय और योग ये तीन बंध के कारण है। अप्रमत्तादि नाम चतुर्णाम योग कषाय, अप्रमत्तादि जो चार गुण स्थान है कौन से? सातवा आठवा नौवा दसवा, यहाँ पर योग और कषाय ये बंध के कारण है। फिर उपशांत कषाय क्षीण कषाय संयोग केवल नाम, फिर आगे के जो चार गुण स्थान है, तीन गुण स्थान है, उपशांत कषाय कौन सा गुण स्थान है? ग्यारहवा, फिर क्षीण कषाय बारहवा और संयोग केवल तेरहवा, इनमें एक एव योग एक अकेला योग ही बंध का कारण है। अयोग केवल न बंध हेतु, अयोग केवल भगवान के बंध का कोई हेतु नहीं है। उक्ता बंध हेतु बंध के हेतु बतला चुके, इदानीं बंधो वक्तव्येति अतः इस समय बंध बताना चाहिए, इसलिए यहाँ से कह रहे हैं। स कषायत्वात् जीवः कर्मणो योग्यान् उद्ग्लानादत्ते सबन्धः। अब इसकी व्याख्या देखिए, सर्वार्थ सिद्धि में स कषाय वर्तते इति सकषाय, कषाय सहित वर्तता है इसलिए उसको सकषाय कहा। फिर सकषाय से भाव सकषायत्व, सकषाय जीव का जो भाव होता है उसको सकषाय पना कहते हैं, सकषायत्व। तस्मात् सकषायत्वात् उस सकषाय पने के कारण इति, ये इसका अर्थ निकालना। पुनर्हेतु निर्देश है, फिर हेतु का निर्देश किया है। जठराग्न्याशयानुरूप आहार ग्रहण, जठराग्नि के आशय के अनुरूप आहार को ग्रहण करने से वत् उसके समान, जैसे जठराग्नि से क्या होता है, जठराग्नि अगर पक्की हो बहुत तगड़ी हो तो फिर आहार लेने पर उसका वैसा विभाजन हो जाता है, और अगर वैसी न हो तो फिर उसका अलग प्रकार से होता है, मंद होता है। तो तीव्र मंद मध्यम कषाय आशय अनुरूप सिद्ध अनुभव विशेष प्रतिपद्यर्थम, तो क्या होता है कि कषाय में तीव्रता मंदता या मध्यमता हो तो फिर उसके आशय के अनुपात अनुरूप स्थिति और अनुभाग में भेद की जानकारी कर लेना चाहिए। अमूर्त रहस्य आत्मा कथम कर्म आदत्ते इति चोदितः सन् जीव इत्याह। अब कोई
यहाँ पर बात उठती है कि आत्मा के पास तो कोई हाथ पांव है नहीं, हाथ पांव तो शरीर में है, तो बिना हाथों वाला आत्मा कर्मों को कैसे ग्रहण कर लेता है? ऐसा प्रश्न करने पर जीव इत्यास सूत्र में जीव ये शब्द है वो कहा है।